भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत रहस्यों से भरा पड़ा है। इसके हजारों नायकों के अलग ही रोचक कहानियां हैं। सभी एक से बढ़कर एक वीर थे। इस ग्रंथ को जितनी बार पढ़ा जाए कम है। इस पर बड़े पैमाने पर शोध किए जाने की जरूरत है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे कुंती नंदन, तेरे और मेरे कई जन्म हो चुके हैं। फर्क ये है कि मुझे मेरे सारे जन्मों की याद है, लेकिन तुझे नहीं। तुझे नहीं याद होने के कारण तेरे लिए संसार नया और तू फिर से आसक्ति पाले बैठा है। लेकिन हम यहाँ ऐसे ही तीन लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें अपने पूर्व जन्म की याद थी। कौन थे वो तीन लोग, जानेंगे आज के वीडियो में। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, साथ ही वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। पहले थे शांतनु। भीष्म पितामह के पिता का नाम शांतनु था। उनका पहला विवाह गंगा से हुआ था। पूर्व जन्म में शांतनु राजा महाभीष थे। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया। एक दिन बहुत से देवता और राजर्षि, जिसमें महाभीष भी थे, ब्रह्मा जी की सेवा में उपस्थित थे। उसी समय वहाँ गंगा का आना हुआ और गंगा को देखकर राजा मोहित हो गए और एक टक उन्हें ही देखने लगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि महाभीष, तुम मृत्यु लोक जाओ। जिस गंगा को तुम देख रहे हो वो तुम्हारा अप्रिय करेगी और तुम जब उस पर क्रोध करोगे तब इस शाप से मुक्त हो जाओगे। दूसरे थे भीष्म। हिंदू धर्म में 33 प्रमुख देवता है, उनमें 8 वसु भी है। उन्हीं 8 वसुओं ने गंगा की कोख से जन्म लिया था, जिनको गंगा नदी में बहा दिया गया था। लेकिन गंगा के 8वें पुत्र को राजा शांतनु ने नहीं बहाने दिया। इन 8ों को गुरु वशिष्ठ ऋषि ने मनुष्य योनि में जन्म लेने का शाप दिया था। गंगा ने अपने 7ों पुत्र को जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्त कर दिया था, लेकिन 8वां पुत्र रह गया। यही 8वां पुत्र भीष्म कहलाया। तीसरा विदुर। यमराज को ऋषि मांडव ने श्राप दिया था, जिसके चलते यमराज को मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा। विदुर को यमराज का अवतार माना जाता है। ये धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र में निपुण थे। उन्होंने जीवन भर कुरुवंश के हित के लिए कार्य किया। तो दर्शकों, कैसे लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।